सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है मेरे रूम पे, जहाँ पे मैंने रूम। अच्छा, तुम कहाँ से आ गए जी? चलो चलो चलो, घर चलो, चलो घर चलो, जल्दी लेके जाओ, लेके जाओ इसको। जाओ जाओ, बाद में आना, जाओ फटाफट सब्जी ले लेते हैं क्योंकि शाम में खाना ही बनाना है। कहाँ गए अंकल जी? पहुँचे सब्जी की दुकान पे। अरे अरे, कहाँ चले गए? वो सामने शीतला माँ का मंदिर है। एक पाव बैगन, आधा किलो कोहड़ा दीजिएगा। हमने लिए, चलो चलते वापस घर। घर तो ये है वो घर जहाँ पे मतलब मैंने अपना रूम लिया रेंट पे, और यहीं से मेरा कॉलेज चालू होता है। अरे तुम इंतजार कर रहा था क्या? चलो जरा, हमेशा वेट करता रहता है। कब आ माँ? कब जाए? चलो चलो चलो, रुको। सो ये है फर्स्ट फ्लोर। ये यहाँ पे ये बाथरूम और ये टॉयलेट। अब वो सामने का जो रूम है वो लैंड ओनर का, और ये वाला किनारे वाला रूम था ये भी उन्हीं का है, और ये है मेरा रूम। अरे रुको रुको रुको, जो कि ज़्यादा पास है। रुको रुको रुको, दो मिनट। बस 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 भाई, रुको मिनट, बस खोलने दो। सो फाइनली यही है मेरा रूम जो मैंने यहाँ पे लिया। लाइट ऑफ करने दो, लाइट ऑन करने दो। ये कुछ ऐसा दिखता है क्योंकि घर काफ़ी पुराना है, तो इसके पेंट वगैरह भी काफ़ी यूज़ होते हैं। ये मेरा किचन, और ये कुछ जो ज़रूरत के सामान है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस जो जो ज़रूरी है, तेल मसाला वगैरह, हल्दी और चीनी वगैरह, जो भी कम यूज़ में आता है क्योंकि अकेले रहना पड़ता है, तो बहुत ही कम यूज़। जो भी यहाँ पे बर्तन धो लेते हैं लोग, और ये बोर्ड बाबा आलम जमाने का, ये ब्रश रखने वाला, ये ऊपर थोड़ा हल्का मचान है। यहाँ पे अलमीरा तो है नहीं घर की तरह, बस जहाँ नहीं तहाँ कपड़ा बस ऐसे ही रखा रहता रहता है इधर उधर। हाँ, पर यहाँ मेरे पास टीवी है और टीवी में एक चीज़ है कि चलता तो है पर इसका सिग्नल जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखता नहीं है, थोड़ा धुंधला दिखता है। ये मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था तो हम यहाँ ला कर रख दिए कि चलो अकेले रहेंगे तो हाँ ये ऐसे ही दिखता है, थोड़ा हिलता बिलता काम चल जाता है फिर भी। अब इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे एक शीशा है शक्ल देखने के लिए जो कुछ खास नहीं दिखता, और यहाँ पे फेविक्विक जो कि एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी काम आता है अगर आप पेपर काफ़ी हार्ड आ गया और पीछे से पड़ गया तो। अलमीरा जहाँ पे कुछ सामान हार रख सकते हैं, तो इसमें खास ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं क्योंकि बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है जिसमें सिर्फ लाइट है, ट्यूब नहीं है क्योंकि ट्यूब गिर के हम ही से फूट गए। और यहाँ पे एक LED बल्ब है, और यहाँ पे घड़ी तो लगी हुई है पर कोई मतलब नहीं बनता, टाइम तो वैसे ही ख़राब है। कल एग्ज़ाम भी है तो पढ़ाई भी चल रही थी थोड़ी देर पहले, ये थोड़ी देर बाद तो हमने कहा कि पढ़ लेते हैं, इसके बाद ब्लॉग बना के जाते हैं, फिर आते हैं फिर पढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, जैसे कि ऊपर ठंडी कपड़ा था जो कि था तो रखे थे, नीचे कुछ कॉपी किताब है, और सामान थोड़ा बिखरा हुआ इधर उधर है क्योंकि हम ही रहते हैं तो इस सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। घर पे तो मम्मी लोग रहती हैं, सब सामान बाकायदा व्यवस्थित जगह मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे कुछ ज़्यादा फालतू सामान है इधर उधर, बस पेन कॉपी फेविक्विक, और यहाँ पे भी कुछ किताबें हैं कॉलेज की, ये एक सिंगल, और यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल चौकी है जो कि सिर्फ मेरे लिए, और इस नीचे भी खाली जगह है वो जो भी सामान यहाँ रख गया। कुछ सब्जियाँ भी रखी हुई हैं, सब्जियाँ हम काफ़ी लिमिटेड खरीदते हैं क्योंकि हम ही के अकेले रहना होता है तो अकेले बनाना होता है, कब ख़राब हो गई कुछ पड़ा होगा, टमाटर खीरा वगैरह। और ये सब्जी जो हम अभी लाएँ,
हाँ, इसके बारे में तो बताना भूल ही गए, ये जो मेरे यहाँ के ओनर है उन्हीं का डॉग है। मेरे लिए अच्छा टाइम पास होता है। चलो बढ़िया, अच्छा चल चलो चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चलो, आओ आओ चलो। और यहाँ पे है एक डस्टबिन और सूज रखने के लिए एक रैक, और यहाँ पे एक कप जो कि सुबह नहाने के लिए, और नीचे एक पेयर शूज, और एक रास्ता इधर बालकनी में जाने के लिए। और बालकनी कुछ ऐसी दिखती है, और इधर बालकनी साइड भी लोग रूम रेंट पे लेके यहाँ रहते हैं। और एक यहाँ पे एरिया में काफ़ी चहल पहल रहता है, तो अकेले रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होता। यहाँ भी देख रूम है, इसमें भी लोग रहते हैं। ये देखो हमेशा वेट करता रहता बैठ के, कब आया कब जाएगा। अब चलते हैं छत पे, छत काफ़ी बड़ा है। ये कुछ ऐसा व्यू दिखता है छत पे से, छत काफ़ी बड़ा होता है तो सुबह का टहला वहला भी इसी पर जाता है। और इधर से कुछ ऐसा चालू हो गया इसका। हमेशा खेलने के मोड में रहता है। बस बस, और अभी शाम हो रही है तो कुछ व्यू ऐसा दिख रहा है, थोड़ा अंधेरा टाइप में। घर ही घर, पीछे फील्ड है खाली घर के पीछे, और ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, और नीचे गली। और यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं क्योंकि सामने एक खूबसूरत चांद भी रहता है, अभी शायद है कि नहीं। नीचे गली रहे, अब चलते हैं घर के पिछले साइड। हाँ, तो ये है जो रूफ, उस पर इधर ये बाथरूम और वो टॉयलेट। बाथरूम खोल के दिखा दो, ये कुछ ऐसा, और ये टॉयलेट, और ये एक स्टोर रूम पड़ा हुआ है ऐसे खाली, कोई अपना पता। और ये इधर का जो बाकी छत था, ये ऊपर भी एक रूम है, ये भी लैंड लॉक का ही है जो भी है ओनर। और इसके ऊपर भी एक छत है, पर वहाँ पर जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बना हुआ है। कुछ खिचड़ी के समय जाते हैं जब पतंग उड़ाना जाता है। और यहाँ से कोई बालकनी, और ए गंदा क्या खा रहा है उसमें। जो लैंड लॉर्ड है उनके जो पेरेंट्स हैं वो, उनकी अब ओल्ड एज है तो वो अपना टाइम पास पेड़ों से ही करते हैं, मतलब काफ़ी शौक़ रखते हैं पेड़ों लगाने का। तो ये जो है 8-10 पेड़ उन्होंने लगा रखा है, उसको रोज पानी भी देते हैं। सीनियर सिटीजन है तो अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड करते हैं ज़्यादातर, पेड़ों को पानी दे के इधर उधर। एक बात बताऊँ, जब से लगा तब से इतना ही बड़ा है। बस हरा है। अब चलते हैं थोड़ा इधर। हाँ मम्मा बंद है, उधर रहो, क्योंकि अगर ये इधर आ जाएगा तो इन लोग को परेशान करेगा। और ये एक रूम है, ओनर के पापा जी हैं। और ये इधर की बालकनी पीछे की, और वो सामने फील्ड है जहाँ पे हर संडे मैच होता रहता है। और ये नीचे एक गली, उसी फील्ड में हर संडे। और ये भी सामने और खाली फील्ड है जो कि अब सिर्फ गैरेज के लिए होता है, लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करते हैं। सामने वाला जो घर है उन्हीं की ये ज़मीन है, तो वहाँ पे अब वो गाड़ियाँ खड़ा करने के लिए अलाउ करते हैं। और ये नीचे गली, और इधर का या कुछ भी ऐसा है। अब ये इधर जो थोड़ा सा बचा एरिया है वो कुछ ऐसा, तो अब चलते हैं वापस घर के पीछे का व्यू। चलो अब चलते हैं वापस। और यहाँ पे इन्होंने ये एलोवेरा भी लगा रखा है, अब इसको बंद कर देते हैं। चलो चलो चलो, चलो चलो, अब सामने चले खाना ही बनाना है। तो पहले बर्तन निकाल लेते हैं भाई, जैसे सब्जियाँ काटनी है, और ये फटाफट सब्जी काट लेते हैं। ये कट गई सब्जी हमारी, और ये आटा भी सान लिया, अब हाथ भी पूरा आटा आटा लग गया है। उसको फटाफट बना लेते हैं क्योंकि कल एग्ज़ाम भी तो है। और ये रखा कढ़ाई,
टॉमी को बाहर निकाल दिए क्योंकि जब खाना बनता है तो इधर उधर घूमता रहता है फालतू का। तो फटाफट बना लेते हैं। ये तो है कि जब आप अकेले रहते हो तो काफ़ी कुछ सीख जाते हो, घर धोने से लेके कपड़ा धोने से लेके बर्तन धोने से लेके पब्लिक डीलिंग से लेके हर चीज़। और हाँ, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो फाइनली हमारी सब्ज़ी रोटी हो गई है तैयार।